रिलायंस जियो फिन के नाम से कंपनी आपको मालूम ही है ना, तो इसको आप अभी भी बाय करने की रिकमेंडेशन देंगे या थोड़ा भी रुक जाना चाहिए सर? लेकिन आई थिंक मूव काफी हो चुका है और जो ये फोरे कर रहे हैं अलग अलग सेगमेंट्स में विदिन फाइनेंशियल सर्विसेज, हमें लगता है आई थिंक स्कोप बहुत है फाइनेंशियलाइजेशन का, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी थीम उभर के आएगी और इसके वजह से आई थिंक द काइंड ऑफ टाइप्स दैट दे आर डूइंग, द एक्सपेक्टेशन जो आप बांध के रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस सॉल्यूशंस, ब्रोकरेज सॉल्यूशंस एज वेल, व्हिच विल बी टेक बेस्ड और टेक बैक्ड, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी ये अच्छी खासी कम हो सकती है फॉर देयर ऑपरेशन। एक क्रॉस सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटी इनके पास विद द डेटाबेस दैट दे आर कैरिंग जियो से, जियो मार्ट से, और जो एक इंटीग्रेशन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, आई थिंक जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टीम है जियो फाइनेंशियल की ये काफी स्ट्रॉन्ग है और इसके वजह से आई थिंक काफी कुछ लिवर्स मिल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप देयर ऑपरेशंस। स्टॉक अच्छा खासा चल चुका है एट दिस जंक्चर, की पिवट लेवल्स के ऊपर है, तो हमारी राय यही रहेगी जो मोमेंटम है राइड कर रहे हैं वो एंजॉय कर सकते हैं, फ्रेश इन्वेस्टर्स विल नीड टू वेट फॉर पुलबैक्स। जियो फाइनेंशियल करीब 5% ऊपर है सर, के रिकमेंडेशन आपको सुन ही ली होगी। मैं आज